नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैच लाइफ विद अंजू। आज हम यहाँ परमल की मिठाई बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने परमल ली है ताज़ा और टाइट और बड़ा साइज़ का। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर परमल लिया है, छील कर मैंने इसमें बीच में चीरा लगा दिया है। एक तरफ पानी बॉयल होने रख दिया है, तो बीज सहित ही मैं इनको बॉयल करूँगी। आप चाहें तो बीज निकाल कर भी इनको बॉयल कर सकते हैं, लेकिन मैं बीज यहाँ पर बाद में निकालूँगी जिससे कि ये थोड़े लूज ना हो। और यहाँ पर मैंने खाने वाला मीठा सोडा डाला है। सोडा डालने से हमारे परमल का कलर ऐसे ही रहेगा, हरा हरा, ये डार्क नहीं होगा और हमें फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने ठंडा बर्फ़ का पानी लिया है और यहाँ पर हम इसको थोड़ी देर के लिए इस पानी में डला रहने देंगे जिससे कि इसकी आग की कुकिंग रुक जाए। और इसमें से हम फिर बीज निकाल लेंगे। बीज निकालने के बाद हाथों से हल्का हल्का दबा कर निचोड़ कर इसको हम एक साइड रख देंगे और फिर आगे का काम करेंगे। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये मिठाई कैसी लगी या आपने पहले भी कभी बनाई है क्या। तो फ्रेंड्स, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन का जो घंटी आती है ना, बस उसको भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि सारी नोटिफिकेशन वीडियो की आपको आगे की मिलती रहे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इसको, तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी आईडी छोड़ रखी है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आगे हम यहाँ पर एक कप चीनी लेंगे और यहाँ पर 3/4 कप हम पानी लेंगे, यानी कि 1/4 कप पानी ले लेंगे और इसकी हम एक चाशनी बनाएंगे। और चाशनी में हमने इलायची कूट कर इसके छिलके इसमें डाल दिए हैं और उसके दानों का हम बाद में यूज़ करेंगे। और यहाँ हमने थोड़ा सा केवड़ा भी लिया है, तो केवड़े की हम कुछ ही बूंदें इसमें डालें। गाढ़ी एक तार की चाशनी हम बनने देंगे और जब इसमें ऊपर झाग झाग आने लगेंगे ना बुलबुले, तो उस समय पर हम इसमें अपने जो परमल हमने बॉईल किए हैं उनको डालकर 2 मिनट के लिए इसको हम बॉईल करेंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा देर के लिए हमें उन्हें बॉईल नहीं करना है क्योंकि फिर वो ज़्यादा ही लूज़ हो जाएंगे। थोड़ा सा कचकचा जो रहता है ना स्वाद, उसका अलग ही रहता है। तो आप थोड़ा सा अलट पलट करके इसको अच्छे से चाशनी में पका लें। इस तरीके से देखिए, मैंने सभी डाल दी है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 1 किलो परमल लिया है, तो फेस्टिवल में थोड़ा सा स्वीट्स वगैरह अच्छी रहती है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद होती है मिठाई, तो इसलिए मैंने खूब अच्छी क्वान्टिटी में इसको बनाया था। तो इसको उलट पलट करके मैं कर लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये पकने के बाद मेरी इतनी ही चाशनी बची है, इस चाशनी का हम आगे यूज़ कर लेंगे। तो अब हम पूरी तरह से अपने परमल को ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब चलती है आगे के प्रोसीजर के लिए। तो आगे का प्रोसेस है कि हमने खोवा लिया है, यहाँ पर खोवे में मैंने चीनी पाउडर डाला है, आप चाहे तो बूरा भी डाल सकती हैं। और इस समय पर अगर आपका खोया थोड़ा सा टाइट है ना फ्रेंड्स, तो वो चाशनी जो हमारी बची हुई थी ना, तो वो यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा खोया थोड़ा सॉफ्ट ही था, तो मैंने यहाँ पर चीनी पाउडर लिया है। तो फ्रेंड्स, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 5-6 चम्मच चीनी डाल दी है पाउडर उसका बनाकर। और यहाँ हम अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स की कतरन डाल सकते हैं। यहाँ मैंने बादाम और पिस्ता लिया है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें ना डालें और जो इलायची के दाने थे ना, वो भी इस समय इसमें डल जाएंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, परमल को ठंडा हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम इसमें परमल में ये पेस्ट भर देंगे। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. परमल में उंगलियों से अच्छे से दबाकर सेट करके हम भर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरे तैयार है। यहाँ मैंने चांदी का वर्क लिया है इसको गार्निश करने के लिए। आप चाहे तो चांदी का वर्क यूज़ ना करें, सिर्फ कुछ ड्राई फ्रूट्स से ही आप इसको
गार्निश कर सकते हैं ऊपर से, और या फिर कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ लगाकर भी आप इसको अच्छे से अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने चांदी का वर्क लिया है फ्रेंड्स, और ऊपर से मैंने थोड़ी सी पिस्ता की कतरन इसमें डाली थी। और तो फ्रेंड्स बस इस तरीके से परमल की मिठाई बहुत ही आसान तरीके से तैयार है, और ये आपके बच्चों को बहुत टेस्टी लगेगी, और आप लोग भी अपने मेहमानों को खिलाइए, खुद खाइए बनाकर, त्योहारों पर इंजॉय कीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, ये जो वीडियो है मैंने दीपावली पर पहले ही शूट की थी, लेकिन मुझे एडिटिंग का समय नहीं मिला था, इसलिए मैंने आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आने वाले दिनों में और भी घर में बहुत से छोटे छोटे हमारी गैदरिंग होती हैं, तो आप इस मिठाई को बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आगे फिर मिलती हूँ आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।